आप सोच रहे होगे कि इतना रात को मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादातर तो मैं वीडियो दिन को बनाता हूँ। वीडियो तो सुबह ही बनेगी, लेकिन मैं सिर्फ बाहर ही आप लोगों को बताने आया हूँ इतनी ठंड में कि एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने लगी है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगी। सुबह सुबह वीडियो मैंने एक आइडिया सोचा है वीडियो बनाने का, और उसके लिए मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो अभी मैं सोऊंगा और सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, सब खैर खैरियत है ना। एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को जलाजल जो है वो दिखाया जाए। और जलाजल मेन जो है ना, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ किसी ऊंची जगह से, या तो ड्रोन की मदद से या किसी ऊंचे मकाम से। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह हाइकिंग भी हो जाएगी थोड़ी सी, और एक ऊंचे मकान पे जाते हैं और आप लोगों को जलाजल दिखाते हैं कि जलाजल कैसा दिखता है। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, पूरी एंड तक देखिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो का लाइक का बटन जो है वो दबा दे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ आज मेरा प्रोग्राम क्या है, जो मेन मकसद है इस व्लॉग को बनाने का। मैंने सोचा कि एक जलाजल का आप लोगों को नया एंगल दिखाया जाए। और नया एंगल कैसे दिखाया जा सकता है कि मैं ऐसे अगर कैमरा लेके घूमूं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस जगह पर हूँ। मैं जलाजल के एक ऐसे पॉइंट पर जा रहा हूँ जहाँ से आपको जलाजल जो है ना वो कम्प्लीट नज़र आएगा। कम्प्लीट कह सकते हैं, कंप्लीट नज़र आएगा, लेकिन एक जलाजल का नया एंगल जो है ना आप लोगों को नज़र आएगा। सबसे पहले मैं एक पानी की बोतल पकड़ूंगा क्योंकि मुझे रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को जगह जा के दिखाता हूँ कि वो जगह कौन सी है जहाँ से मैं आप लोगों को जलाजल दिखाने लगा। ये अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, ये एक पार्क बना हुआ है और एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ से जो जलाजल का व्यू है ना वो आप देखें, ये सारा जलाजल है, ये सारा जलाजल है पुराना, और इस तरफ जो है ना नया जलाजल है जो मतलब ना होने के बराबर आप लोगों को नज़र आएगा। लेकिन वो पीछे आप लोगों को एक पहाड़ी नज़र आ रही है, ये वाली, ये जलाजल की ऊंची पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर जाके आप लोगों को दिखाया जाए कि जलाजल कैसा दिखता है। अब मसला ये है कि वहाँ पे ना कोई रोड जाता है और ना कोई रास्ता। मुझे गाड़ी नीचे खड़ी करनी पड़ेगी और फिर खुद ही रास्ता देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है ना सही रास्ता मुझे लगेगा ऊपर जाने के लिए। एक दफ़ा पहले मैं जाने की कोशिश कर चुका हूँ। मैं तकरीबन बिल्कुल टॉप तक नहीं गया था, लेकिन हाफ से ऊपर चला गया था। उमेर, जो मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मेरा दोस्त देखा है, वो जो है आलमो ऊपर तक बिल्कुल टॉप तक गया था, लेकिन मैं आधे रास्ते से वापस आ गया था। ये मैं पहाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच गया हूं। अब मैं कोई अच्छी सी जगह देख के गाड़ी पार करूंगा। मुझे ऐसे ही पार करनी पड़ेगी। ये जो पहाड़ी है ना सामने वाली छोटी, अब मसला ये है ना कि इसके ऊपर बाढ़ लगी हुई है तो यहाँ से क्रॉसिंग मुश्किल है। मुझे इस पहाड़ी के पीछे से ना ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो मैं गाड़ी भी जो है ना आगे जाके बिल्कुल खड़ी करता हूँ, आगे जाके खड़ी करूँगा और फिर वहाँ से ऊपर चढ़ूँगा, बिल्कुल टॉप तक जो है ना वो जाऊँगा। मेरे बिल्कुल पीछे वो जो
जो है ना वो पहाड़ी है। मैंने पानी की जो है बोतलें वो ले ली हैं और अब मैं चलने की कोशिश करूंगा। देखते हैं, मुझे लगता है कि आधा एक घंटा लगेगा मुझे ऊपर चढ़ने तक। गाड़ी जो है ये मैंने रोड के बिल्कुल करीब खड़ी कर दी है। ये इस तरफ जलाजल है और ये जो है ना हमारा आज का मिशन। गाड़ी लॉक भी कर दी है मैंने, अब बस आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ। शूज़ जो है वो मैंने हैवी किस्म के पहन लिए हैं ताकि जो है ना प्रॉब्लम ना हो। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने जो है जूते पहन के वो ऊपर चढ़ा था और उस टाइम पे बहुत मुश्किल हुई थी। चढ़े हम इस साइड से थे, इस साइड से जब इस पहाड़ी के ऊपर चढ़े ना तो ऊपर वो जो है ना रास्ता मान था, फिर यहाँ से हम घूम 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 के फिर इधर से गए थे, इसलिए थक बहुत ज़्यादा गए थे और ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। लेकिन आज उम्मीद है कि आराम से जो है मैं चढ़ जाऊंगा क्योंकि करीब भी मैं काफ़ी ज़्यादा आ गया हूँ। लास्ट टाइम शुरू भी हमने वो बिल्कुल जहाँ पे आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है ना वहाँ पे पार्क है, वहाँ से हमने शुरू किया था और जो है हम इस पहाड़ी तक आए थे। लेकिन आज मैं करीब ही हूँ काफ़ी ज़्यादा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को ऊपर जा के दिखाऊँगा कि जलाजल कैसा दिखता है। आज ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हवा चल रही है लेकिन हल्की हल्की मदम मदम सी ठंड जो होती है ना, मीठी मीठी ठंड जिसको कहते हैं वो है। इंशाल्लाह ऊपर जाते सूरज निकल आएगा और जो है ना मौसम और मज़ेदार हो जाएगा। हल्की हल्की सी धूप जब लगेगी ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी मेरी बिल्कुल फिटनेस नहीं है, ना मैंने कभी रनिंग की है ना कभी और कोई ऐसा काम खेल कूद के किया है जिससे ना बंदे की कोई फिटनेस हो, तो मेरा हाल बहुत बुरा है। अभी थोड़ा सा ही चढ़ा हूँ, ये बिल्कुल करीब पहुँच रहा हूँ फर्स्ट चढ़ाई के। फर्स्ट चढ़ाई जो है मैंने चढ़ ली है और मेरा सांस जो है अभी से फूलना शुरू हो गया। हाय, ये तो आदत हो गई है। ये अभी बाकी है, लास्ट टाइम जब हम आए थे इस पहाड़ी के पीछे से आए थे तो ये जो है ना रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ था, इसी तरह उस साइड से भी, तो हमें ये घूम के आना पड़ा था इधर से। बाकी दोनों तरफ स्लोप है बहुत ज़्यादा। ये सेंटर का जो एरिया है ना, इधर से चढ़ने का थोड़ा सा रास्ता है, थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है लेकिन चढ़ा जाएगा यहाँ से। ये ऊपर से व्यू
यहाँ पर मैं टॉप पर पहुँच गया था, तो मैंने टाइम लैप्स पे मोबाइल लगा दिया और थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि सांस मेरा बहुत ज़्यादा फूल रहा था। तो पानी पिया, रेस्ट किया और जो है नज़ारा मैंने इंजॉय किया। तकरीबन गाड़ी से लेके मुझे टॉप तक पहुँचने में 15 मिनट लगे। ये था टॉप। यहाँ पर मेरा सांस इतना ज़्यादा फूल रहा था कि मेरे से कोई बात करने नहीं हुई, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला यहाँ पे ऊपर जाके। मैंने सोचा क्यों ना बाद में वॉइस जो है ना वॉइस ओवर कर दूँगा और आप लोगों को बता दूँगा अपनी कैफियत का। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने जो है ऊपर पहाड़ी पे गुजारे और थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने नीचे का सफ़र दोबारा से शुरू कर दिया। ये था व्यू जलाजल का। ये सामने आपको सारा जलाजल नज़र आ रहा है, इसके मज़रे, और एक साइड पे आप लोगों को आबादी नज़र आ रही है। ये टोटल आपको दूर दूर तक जितना नज़र आ रहा है सारा जलाजल है। सूरज जो है तलू हो रहा था लेकिन आज धुंध थी थोड़ी थोड़ी, जिसकी वजह से किरणें इसकी वाजह नहीं थी। मैं जितनी देर ऊपर था ना सूरज नहीं निकला, अभी नीचे की तरफ आना शुरू हुआ हूँ तो सूरज निकल आया। अभी वैसे धूप बड़े मज़े की है, हल्की हल्की सी जो मतलब धूप होती है ना सर्दियों में झलकती है, बड़ा मज़ा आ रहा है स्पेशली मेरी बैग पे। और वो हल्की हल्की सी ठंड है, मौसम आजकल ऐसा ही है। अभी जो मैं बिल्कुल थक गया हूँ, थोड़ा सा रास्ता रह गया है, बस पहुँचने वाला हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। बस ये लास्ट उतराई रह गई है, फिर वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है। आप लोग भी जब भी आए ना किसी ऐसे एडवेंचर पे, तो शूज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिनकी ग्रिप अच्छी हो ना वो पहन के आने हैं, क्योंकि स्लिप हो गए ना तो यहाँ पे काम तमाम हो जाना है। नुकीले पत्थर है तो वो आपका बेड़ा गर्क ज़रूर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी उतराई थी, मैं तो उतर आया हूँ, बस अब घर को चलूँगा। एक बहुत ही मज़ेदार का एडवेंचर था, पता नहीं आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आया। होप सो कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा।
लास्ट मैं अपनी चमक छल्लो के पास वापस पहुंच गया हूँ। एक बहुत ही मजे का एडवेंचर था, मुझे तो मजा आया बहुत ज्यादा। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिस बंदे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आगे लेके आता रहूँगा। और बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।